हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या है स्पोर्ट्स में। देखिए, स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको जो है कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें जब हम किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो तैयारी करने से पहले एक प्लान हमारे मन में होता है कि हमें कब कौन सी चीज़ करनी है, कितने रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट होगी, हमें कितने लोग चाहिए होंगे, कब वो इवेंट शुरू करना होगा। ये हज़ारों सवाल हमारे माइंड में होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम स्पोर्ट्स इवेंट को, यानी कि कोई कॉम्पिटिशन है स्पोर्ट्स रिलेटेड, कोई कोई मान लेते हैं कि कोई ट्रेनिंग चल रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई भी एक इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक है, कंपटीशन है, इंटर स्कूल कंपटीशन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपटीशन जो होते हैं, ठीक, वो हैं, और उनको हम जो है उनको हम तैयारी उनकी कर रहे हैं कि कैसे हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने हमें लोग रिक्वायरमेंट होंगे, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, कहाँ पर वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक। तो ये सब हम सारी चीज़ें माइंड में ये रखते हैं कि हाँ, हम कौन सा, कब कौन सी चीज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, मनी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और कौन उसे ऑर्गेनाइज करेगा, कौन होस्ट होगा, कितने प्लेयर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, किन किन रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, कितने डॉक्टर्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जितने भी एथलीट्स होते हैं कहीं ना कहीं इंजुरी से इंजुरी वगैरह भी हो जाती है स्पोर्ट्स इवेंट्स में, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना, और खाने से रिलेटेड, मतलब खाना पीना जो होगा, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, उन सबको हमें ध्यान में रखना होता है कि कब ऑर्गेनाइज करेंगे सारी चीज़ें। तो ये सब होता है, इसी को कहते हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, प्लानिंग करना स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं उनके बारे में प्लानिंग इन स्पोर्ट्स कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है क्या। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं, इनको छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।